हेलो व्यूअर्स, आज हम पेंटर भाइयों के लिए एक विशेष वीडियो लेके आए। जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किए हुए वीडियो में आप बर्जर मशीन देखेंगे, तो ये मशीन लेके मुरे को भी 2 महीना हो चुका है। तो मैं 2 महीने के बाद में इसमें क्या मेरे को डिसएडवांटेज लगे, क्या इसमें आपको लेना चाहिए, या आपका भी मन हो रहा है बर्जर का ये न्यू एलियस GS6 मॉडल लेने की, आपको भी चाहत है, तो पेंटर भाइयों के लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपके लेने के लिए ये मशीन सफिशेंट है या नहीं, ये आपको तय करना है। मेरे को जो मेरे साथ में बिता है वही मैं ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसका जो रहता है प्रोसीजर, ये मेरे को काफ़ी देर से समझ में आया। इसका जो ये मशीन जो आप परचेस करते हैं, तो ये मशीन को डेमो रिक्वेस्ट डालना पड़ता है कंपनी को जब आप ख़रीदते हैं नया। तो डेमो रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको इसमें टोल फ्री नंबर दिया रहता है कार्टून पे, और इसका सीरियल नंबर आपको बताना होता है जो बॉक्स पे भी और बिल पे भी मेंशन रहता है। तो आपका ये बर्जर पेंट कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और इसके बाद में आपके मशीन में कोई भी दिक्कत आता है तो ये कंपनी का आदमी रिपेयर कर लेता है। तो मेरे से गलती हो गया, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो ये मेरे को अभी बहुत दिक्कत आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने में। और इसको अभी मेरे को 2 महीना हुआ है चलाते हुए, 4-5 से काम मैंने इस पर किया है, तो 4-5 काम में इसमें ये जो है इसका इतना बढ़िया क्वालिटी नहीं है। ये जो एयरलेस कलर स्प्रे है तो ये चलते चलते रुक भी जाता है, और इतना बढ़िया भी स्प्रे नहीं दे पा रहा है 2 महीने के बाद में आफ्टर यूज। मेरे 4 से 5 काम के बाद में इसका रिज़ल्ट, और इसका पिस्टन वर्क नहीं कर रहा है जो प्रॉपरली, जो प्रेशर बनाना चाहिए मशीन ने, वो प्रेशर ये मशीन बनाने नहीं पा रही है, कलर स्प्रे नहीं कर पा रही है। अभी मेरे 4 से 5 ही काम हो चुके हैं, तो मैंने ये 20,000 के करीब करीब लिया था, तो मेरा भी 4-5 काम में आप लगा सकते हैं लमसम इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये पर एक साइड का मेरे को लगा है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका मेरे को अभी मैं एक महीने से मशीन बंद है। कंपनी को बहुत बार कॉल किया तो वो डीलर कोड मांगते हैं, और काफ़ी डीलर्स कोड नहीं देते, आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो आप भी जब भी यही नहीं कौन सी भी कंपनी का मशीन लेंगे, तो पहले इसका स्पेयर पार्ट देखना ज़रूरी है। आप 2-4 वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे दोस्तों, और उससे आप परचेस कर लेते हो मशीन। मगर जो भी मशीन आप परचेस करेंगे तो उसको ऑनलाइन आपको चेक करना है, इसका वेबसाइट है या नहीं है, जेन्युइन है या इसमें इसका स्पेयर पार्ट सर्विस दे रहा है या कंपनी नहीं दे रहा है। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। बहुत सी कंपनियां सिर्फ सेल करने में बैठी हैं, उन्हें मोटा मुनाफा कमा के बाद में कमा लेती है, और इसके बाद में आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। क्योंकि आप जो मशीन ख़रीदते हैं ये काफ़ी मेहनत से लेते हैं, जो पेंटर भाई रहते हैं एक एक रुपये जो एक एक पाई बचा के अपने घर खर्चे से या अदर खर्चे से बचा के ये मशीन परचेस करता है। तो ये कम में अच्छा मशीन था कंपनी ने निकाला, मगर इसको प्रॉब्लम आ जाने के बाद में बहुत दिक्कत आता है। इसका सर्विस स्टेशन में ये वो आम आदमी का काम नहीं है, इसको बहुत मालूमात वाला आदमी लगेगा, क्योंकि इसका जो सर्विस है ये बहुत झंझट के काम है, इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये इसके बाद में आप इसे करवा सकते हैं। तो मेरा अभी डेमो रिक्वेस्ट, मेरे को नया लिया था मशीन तभी डालना था, तो ये मेरे से गलती हो गया। अभी मेरे को ये प्रोसीजर नहीं मालूम था, अभी ये मुझे कंपनी को फ़ोन करने के बाद में मालूम पड़ा है। तो मेरा 2 महीने में ये मशीन बंद हो चुका है। अभी बंद बोले तो इंजन इसका जो मशीन है वो चल रहा है, मगर जो पिस्टन वर्क कर रहा है, जो प्रॉपरली प्रेशर बनाना चाहिए उसने, वो प्रेशर बना नहीं पा रहा है, तो उससे कलर स्प्रे में होने में दिक्कत आ रहा है दोस्तों। तो यही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और कंपनी इतना बढ़िया इसमें पैसा ले रहा है तो इसने ये सर्विस देना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एक्चुअली VST जो चाइना की कंपनी है, VST हाई VST ये चाइना की कंपनी है। अब अलीबाबा पे देखेंगे इसका न्यू GH06 मॉडल डालेंगे हाई VST, तो ये आपको प्रॉपर 10-10.5 हज़ार रुपये में ये मशीन, आप बल्क क्वांटिटी में 10 से ऊपर लेते हैं 1100 तक, तो ये आपको कम में मिल जाती है। तो कंपनी ने इसका, कंपनी का भी एक बराबर है इसमें प्रो, इसके पार्ट इसका सर्विस देना है, तो इसके वजह से इन्होंने इसमें ये 10,000 ऐड कर दिया। तो 10-20 हज़ार रुपये में मशीन अपने को बर्जर कंपनी दे रही है, वैसा इसका प्राइस 10-10.5 हज़ार रुपये हाई VST, ये चाइना कंपनी है।
तो ये चाइना मैन्युफैक्चरर है और इस पे सिर्फ कंपनी ने इसमें इनका लोगो लगा के ये सेल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, सर्विस भी देते हैं कई कई एरिया में। तो ये अपने को ये कंपनी बल्क क्वांटिटी में लेता है कंपनी बर्जर, और इसका सर्विस भी देता है। उसके हिसाब से इसको आदमी मेंटेन रखना पड़ता है, इसके वजह से इसका थोड़ा कॉस्ट 10,000 और बढ़ा देते हैं, तो ये 20,000 में। और फिर सर्विस भी देते हैं आपको, इस वजह से अपने को कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा गए तो सर्विस भी मिल रहा है बर्जर कंपनी का। अगर आपको जब भी कोई नया मशीन ख़रीदेंगे तो आप डेमो रिक्वेस्ट उनसे, जब वो बात करेंगे इंग्लिश में, वो हिंदी में नॉट रीचेबल रहते हैं, नॉट सपोर्टेड लैंग्वेज लेते हैं। तो इंग्लिश में आपको थोड़ा सा जानकारी है छोटा मोटी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ही बात करके सर से बोलना मेरे को डेमो रिक्वेस्ट जो मॉडल है आपका, वो मॉडल बोल के आपको मिल जाता है। तो डेमो रिक्वेस्ट मिलने के बाद में फिर उनका आदमी अपने एरिया में आता है और वो इस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाता है इसका, और अपना प्रगति में रजिस्ट्रेशन है पेंटर का, तो उसमें आपको लास्ट के चौथे कॉलम में जो मशीनरीज का आता है टूल्स में, उसमें आपका क्वांटिटी लिखा आ जाएगा, और उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको। इसका पैसा कुछ सहूलत भी देता है कंपनी, इसके पॉइंट देता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मेरे को यही बताना था, मैंने जो गलती किया वो गलती आप ना करें दोस्तों। जब भी कोई मशीन खरीदे दुकानदार से लेते हैं या डीलर से लेते हैं, तो इसका डेमो रिक्वेस्ट आपको जो इसके ऊपर नंबर दे रखा है 1800-103-6030 पे आपको कॉल करना है और उनसे बोलना है सर मेरे को डेमो रिक्वेस्ट चाहिए। तो वो डेमो रिक्वेस्ट कंपनी के आदमी पे जाती है और वो आपके एरिया का को जो मैनेजर है सर्विस एरिया का जो रिपेयरिंग में, तो वो आपको आके इसका डेमो देगा, ये कैसा चलेगा, क्या इसका पूरा चलाने का प्रोसीजर बताएगा, और वो आप लोग का सीरियल नंबर लेके कंपनी को फॉरवर्ड कर देगा, तो आपके नाम पे ये मशीन लग जाता है। और फिर इसके बाद में जब आप रिपेयर करने जाते हो तो ये प्रॉपरली काम हो जाता है आपका, और आपको मेंटेनेंस चार्ज इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इस तरह आपको काम करना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।